गीता, सुश्रुत आदि इन ग्रंथों का विषय है। और वायु के संदर्भ में, वायु और आकाश इन महाभूतों के साथ इसको जोड़ते हुए हमें आगे जाना है और देखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग इसको देख सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूंगा कि भाई, अगर मैं कहूं कि वायु बड़ा है, तो वायु बढ़ने का मतलब क्या बढ़ना है? आकाश और वायु, ये दो महाभूत बढ़ना है, वायु बढ़ने का मतलब। तो हमें यहां अपने दिमाग में उस वक्त जब आपने देखा कि आपने जब नाड़ी में परीक्षण किया तो आपको वायु नजर आया। एक चीज ध्यान देना, जो वायु नजर आ रही है वो न केवल इंडेक्स फिंगर में बल्कि मिडल और रिंग फिंगर में भी हमें वायु की उस सत्ता को ध्यान देना होगा। समझ में आ रहा मेरी बात है? मैंने आप लोगों को बताया था और मैं अभी भी आपको बताता हूं, वायु के उछाल और अंतराल बहुत कम है। ठीक है, वायु का उछाल और अंतराल कम है, पित्त का उछाल ज्यादा है और अंतराल मध्यम है, मीडियम है, और कफ का उछाल नहीं है, अंतराल ज्यादा है, नीचे की ओर झुकता हुआ चलता है। भाई ये वात पित्त और कफ के, इनकी जो अवस्थाएं हैं जो नाड़ी में हमें दिखती है, उसके ऊपर ना आप कम से कम 10 दिन तक माथापच्ची करो तो हमें फाइनली ये समझ में आएगा नाड़ी में उंगली रखते ही कि इसके इंडेक्स फिंगर में वायु सही है, अपने स्वाभाविक गुण से चल रहा है, लेकिन रिंग फिंगर में जो कफ का स्थान है वहां वायु की गति है। कितना अच्छा लगेगा, वायु के स्थान में द्रव्यज गुणज कर्मज, जो कफ के स्थान में वायु अपने कर्म दिखा रहा है, अपने रुक्ष शीत मृदु अपने रुक्ष गुणों से, शीत गुणों से, चलो था विषद खर, इन गुणों से वायु कफ के परमाणुओं के साथ संग, संग मतलब उसके साथ मिल करके कुछ काम कर रहा है। दोनों विरोधी दोष है, वात और कफ, तो संघर्ष चल रहा है वहां कफ का। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? तो वायु जब बढ़ता है, आपने देखा कि आपके नाड़ी में या किसी के नाड़ी में कहीं भी परमाणु रूपा कार्य रूपा वायु बढ़ रहा है, आपने देखा उसके स्पाइक में वायु बढ़ता आपको दिख रहा है। तो दिखने का मतलब कुछ चीजें अब आपको लिखना होगा। वायु अगर वृद्धि अवस्था में होगा तो धीरे धीरे कफ के परमाणु माइनस में होंगे, कम होगा। अब कफ कम होने का मतलब बलगम जो है, अगर हम कफ को बलगम समझेंगे तो वो बलगम कम होगा ऐसा नहीं सोचना है हमें। गुणज कर्मज, कफ के जो कर्म है, जैसे कफ का गुरु गुरुत्व तो क्या है, इसका ये गुण है, शीत इसका ये गुण और कर्म है ना? तो उस कर्म में, उस गुण में कमी दिखाई देगा। एक आदमी जब कफ बढ़ता है तो कर्मज और गुणज उसमें क्या होगा, उसके शरीर में सुस्ती, उसके शरीर में जैसे निंद्रा की अधिकता, ये गुणज कर्मज कफ के व्यवहार है। कफ बढ़ रहा है इसका मतलब शरीर में बलगम बढ़ रहा है ऐसा नहीं सोच रहा है। अपने गुणों से, कफ के अपने कर्मों से किसी एक स्थान में वो अपने, उसकी जो परमाणु है गुणज, अपने गुणों से ठंडा वाला गुण है कफ में, तो कफ बढ़ रहा है का मतलब कफ के ठंडापन बढ़ रहा है। उष्ण पित्त का गुण है, रुक्ष उष्ण और तीक्ष्ण, ये कफ, ये पित्त के विशेष गुण है।
तो पित्त बढ़ने का मतलब आपको मिडिल फिंगर में या किसी उंगली में पित्त की जैसे उछाल ज्यादा अंतराल मध्यम वाली आपको स्थिति दिख रहा है। तो यहां हमें क्या सोचना है, पित्त यानी उसके शरीर में आग बढ़ रहा है ऐसा नहीं सोचना है। उसके गुणज कर्मज उस पित्त के जो स्वभाव है वो बढ़ रहा है। तभी जब उसके यहाँ स्वभाव बढ़ता है पित्त दोष का, तभी उसके स्वभाव में वैसे विकार दिख रहा है, क्रोधी हो रहा है, जल्दी जल्दी अपने डिसीजन को दिखाने के लिए प्रयत्न करता है। समझ में आया आपको? तो कहीं भी कोई दोष अगर बढ़ता है या घटता है तो वो उसके अपने रूप नहीं बल्कि गुणज कर्मज और द्रव्यज घटता या बढ़ता है। जब वायु के आकाश और वायु रूपा जब वात बढ़ता है तो गुणज कर्मज उस व्यक्ति के शरीर में क्या स्वभाव होगा, उसके बाड़ी में कर्कशता, लिखिए जरा उसके बाणी में कर्कशता। आज मुझे धातु पढ़ाना था लेकिन मुझे लगा कि चलो आप लोग बहुत अच्छा मेरे को आप सहयोग कर रहे हो, प्रश्न करते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार मेरे क्लास पिछले सभी क्लास से बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, आप लोगों को क्या लगता है मुझे नहीं पता। वायु जब बढ़ता है अपने द्रव्यज गुणज कर्मज तो उसके वजह से हमारे गले में आवाज में कर्कशता दिखेगा। कर्कशता कहाँ दिखेगा, हम लोगों ने बात किए थे गला, गले में कौन सा वायु है उषा जी बताइए। उषा जी जो हमारे पुराने विद्यार्थी ईशोकांत जी, अभी नहीं बोलना, आकाश नहीं, आकाश और वायु तो बात का है ही, हमारे गले में प्राण वायु है और उदान वायु है। प्राण और उदान गले में है तो यहाँ कर्कशता बढ़ने का मतलब है कि उस प्राण या उदान में वायु बढ़ा है, कौन सा गुणों के साथ बढ़ा है, अपने रुक्ष और शीत गुणों के वजह से वहां की जो नलिका है, वहां की जो स्रोतस है, वहां रुक्ष और शीत गुणों के वजह से उसको एकदम टाइट किया उसने वायु, वहां के जो रास्ता है, कफ जो मुलायम दे रहा था, पित्त जो मुलायम दे रहा था, मुलायम है ना सॉफ्टनेस देने वाला कफ और पित्त है, बढ़ते हुए वायु ने इन दोनों के इस सॉफ्टनेस को खत्म किया और अपना रुक्ष गुणों से। तो वायु बढ़ा का मतलब कौन सा वायु बढ़ा, वायु के द्रव्यज कर्मज गुणज शीत और रुक्ष गुण बढ़ा है। तो हमें हमेशा इसको भी देखना है चरक संहिता के आधार पर कि जो वायु बढ़ा है तो बढ़ा वायु तो क्या बढ़ा है, वायु का कौन सा गुण बढ़ा है ना, रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है। वायु के और भी बहुत सारे गुण है तो उनमें से जो रुक्ष गुण है उसके बढ़ने से गले में हमें उसके आवाज में कर्कशता दिखना शुरू हो। कर्कशता का मतलब है खरा आवाज एकदम, है ना, क्या है, मीठा आवाज नहीं होता, एकदम फटा फटा सा आवाज आता है। या हम इसको यह भी कह सकते हैं कि द्रव्य ज गुण ज कर्म ज, वायु को बढ़ाने वाले कौन कौन सा रस है, हम लोगों ने रस भी पढ़ा था, तिक्त रस है और कटु रस है, ये दो रस जो वायु को बढ़ाता है। अब अगर कोई पेशेंट के गले कर्कशता आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, जरूर तिक्त रस का सेवन हुआ है या कटु या तिक्त रस को, है ना, बढ़ाने वाला ऋतु के संपर्क में गया है। ऋतु का मतलब तिक्त ऋतु पड़ता है सर प्रकृति में, इस ऋतु में प्रकृति जो है तिक्त रस को उत्सर्जन करता है। बताइए, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था तिक्त रस उत्पादन करता है प्रकृति। समर हाँ जी, सूर्य के ताप में तिक्त रस जो है शिशिर ऋतु जो है
शिशिर ऋतु में आकाश महाभूत वाला प्रकृति होता है शिशिर ऋतु में, तो उस वक्त तिक्त रस प्रकृति से उत्पादन करता है, जिसे हम माघ और फाल्गुन महीना बोलते हैं ना। और कटु रस कब निकलता है? ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, जहाँ और वायु ये दो महाभूत प्रदान हमारा प्रकृति। कटु रस ग्रीष्म ऋतु और शिशिर और ग्रीष्म ऋतु में शरीर में कटु और तिक्त रस उत्पन्न होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन ऋतुओं के ऋतुओं में इसने जरूर इस तरह के आहार का सेवन किया होगा और डिटॉक्सिफाई नहीं हुआ। आगे जाकर के वही जो वातवर्धक आहार विहार था प्रकृति के माध्यम से या आहार विहार के माध्यम से उसके शरीर में आ करके वायु को बढ़ाया, वायु में रुक्ष और शीत गुण उत्पन्न हुआ, रुक्ष गुण हर गुण। तो इससे उसके अब अगर यहाँ वायु बढ़ता है तो एक तो है गले में कर्कशता, दूसरा है उसके स्किन में दरारे आना, स्किन में क्रैकनेस होना, त्वचा जैसे बोलते हैं ना फट जाता है, विवाही फट जाती है, पैर की पैर एकदम पिंडलियाँ जो है वो एकदम क्रैकनेस हो जाती है, फट जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके शरीर में वायु वृद्धि अवस्था में है। तो यहाँ पर अगर फट रही है पैर के लीप ओट जो है फट रहा है, ब्लीडिंग वहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो हमें क्या सोचना है, यहाँ वायु के खर गुण बढ़ा है। हमने पढ़ा था ना वहाँ पर वायु के संदर्भ में अलग अलग उसके गुण है। तो देखो वायु में जितने भी गुण है उनमें से कौन सा गुण बढ़ा है, हमने डायग्नोस जस्ट जानने के लिए नहीं कि वायु बढ़ा है, इतना नहीं, डायग्नोस हमें किस लिए करना है कि क्या बढ़ा है, वायु बढ़ा है तो वायु में क्या बढ़ा है और उसके जस्ट विपरीत उपचार करना है। उसके जस्ट विपरीत अगर खर गुण बढ़ा है तो कुछ स्नेह द्रव्य दो, उष्ण और स्नेह दो। अगर शीत बढ़ा है तो शीत में आप उष्ण उष्ण द्रव्य दो। कृशता, अगर वायु बढ़ता है तो शरीर में कृशता, कृशता मीन्स एकदम पतला हो जाना, उस व्यक्ति में वायु कफ के द्रव्य जो गुणज कर्मज उसके परमाणुओं को सुखाना शुरू करेगा। तो टिश्यू लेवल में, अर्गन के टिश्यू लेवल में या शरीर के हर जगह जो सभी, क्योंकि कफ के बाद इन दोनों तीनों दोषों ने मिलकर के शरीर के अर्गन का निर्माण किया है, क्या आप लीवर कहो, क्या आप स्प्लीन कहो, क्या आप कुछ भी कहो, वो सभी का निर्माण किसने किया है, इन तीन दोषों ने मिलकर किया है, वो हम धातु लेवल में जाके समझेंगे। तो शरीर में कृशता आने का मतलब भी वायु बढ़ा हुआ है, कौन से गुणों के साथ कृशता सूख रहा है, रुक्ष गुण और चल गुण। चल गुण से भी, चल मीन्स गति होना, लघु गुण वायु में भी लघु है, तो लघु जो होता है वो गुरु को कम करता है, गुरु मीन्स कफ में गुरु होता है। तो यहाँ पर अगर कोई आदमी पतला हो रहा है, दिनानुदिन वो कमजोर होते जा रहा है दिखने में भी, तो अरे भाई साहब आप तो बहुत कमजोर हो गए हो दिखने में, इसका मतलब क्या है, यहाँ लघु गुण बढ़ा हुआ है। लघु मीन्स लघुता करना, हल्का करना, तो शरीर में वो हल्कापन बढ़ रहा है। रुक्ष गुण भी या नहीं बढ़ा, लघु बढ़ा है, समझ में आया। तो देखो दोषों के जो स्वभाव है उनके जो कर्म है वहां से हमें देखना है, सिर्फ वायु बढ़ा कहने से नहीं चलेगा। अंगों का फड़कना, अंगों का फड़कना यह भी होता है सर जी, क्रैम्स होते हैं, क्रैम्स पड़ते हैं, क्रैम्स बॉडी में पड़ते, वो अभी मैंने आपको बताया ना, क्रैम्स जो पड़ना वो भी रुक्ष गुणों की वजह से हो रहा है, खर गुण की वजह से, खर खर मंस उसमें दरारे पड़ना, खर खर खुरदुरा खुरदुरा, हाँ खुरदुरा सा हो जाना। जब शरीर में वायु बढ़ता है अपने शीत गुणों के वजह से तो गर्मी के मौसम में भी शरीर कांपना शुरू होता है, ऐसे करके कांपता है,
तो उष्णावभासिता उस वक्त शरीर कुछ हीट मांगता है, क्योंकि गर्म खाने पीने की इच्छा रखता है। मंदाकिनी जी आप अपने ऑडियो को बंद करिएगा जरा, जब कुछ बोलना होगा। मैंने कर दिया, चलिए समझ में आया आपको। तो यहाँ पर उष्ण वस्तु की इच्छा होने का मतलब है शरीर में शीत गुण बढ़ा है वायु का। अब हमें यहां ये भी देखना है, शीत गुण तो कफ का भी होता है। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, आयुर्वेद कितना अच्छा है, आप लोग कम से कम प्रयत्न तो करो थोड़ा सा कुछ समझने का, है ना। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, जिस प्रकार से एक पापी आदमी के साथ संसर्ग होने से, स्त्रैण व्यक्ति के साथ संसर्ग होने से वो व्यक्ति धीरे धीरे स्त्रियों के चर्चा में अपना मन को ज्यादा लगाता है। पापी के संगति होगा तो पाप कर्म करने के प्रति वैसा होता है। ऐसे ही दोषों के साथ संग होने से वायु भी कफ के समान गुणों को दिखाना शुरू करता है, और कफ भी वायु के समान। वायु को तो योगवाही कहा हुआ है, योगवाही मतलब कफ के साथ मिलेगा तो कफ के गुणों को दिखाएगा, हे वायु, मगर कफ के जैसा गुण दिखा रहा है। पित्त के साथ मिलेगा तो पित्त के जैसा गुण को दिखाना शुरू करता है, हे वायु, लेकिन पित्त के साथ मिल गया। अब उसमें अंतर करना बड़ा मुश्किल होता है कि जो ये सिम्टम्स है ये वायु वाला है या पित्त वाला है। एक आपके पास आ गया व्यक्ति और वो कहता है, सर मुझे तो बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। अब यह जो जलन है उसके शरीर में वायु बड़ा था लेकिन पित्त ने कहीं किसी एक जगह में आवरण किया। आवरण का मतलब पित्त के साथ वायु मिल गया, पित्त का गुण को वायु दिखा रहा है। योगवाही के आधार पर जलन हो रहा था, तो जलन का कौन सा दवाई दिया जाना चाहिए, शीत यानी ठंडा दवाई देते हैं अक्सर पित्त के लिए। जैसे ही शीत यानी कुछ ठंडा दवाई दिया तो रोगी और चीखना शुरू करता है, बढ़ जाए और बढ़ जाए, क्योंकि वायु है ना मुख्य, पीछे धक्का कौन मार रहा है, वायु मार रहा है। तो सबसे पहले इलाज किसका होना चाहिए था, वायु होना चाहिए था। तो ऐसे जगह में हमें विरेचन, चरक संहिता आदि ग्रंथों में जो विरेचन के लिए जो बताया है वो ऐसे सिचुएशन में बहुत अच्छा काम करता है। वो कैसे समझ में आएगा सर? हाँ जी, वो कैसे समझ में आएगा? हाँ, वो हमें प्रश्न दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न ही नाड़ी परीक्षण करेंगे। कफ यहाँ आपको वायु बढ़ता हुआ महसूस होगा और पित्त भी बढ़ता हुआ महसूस होगा। उसके बाद हमें प्रश्न करना है उससे कि भाई उसके हेतु को निकालना है। कभी भी ट्रीटमेंट देते वक्त हमें पेशेंट से पूछना है उसका जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ रहता है, अभी कहाँ रहता है, कैसे कैसे शरीर में संप्राप्ति बनी है। संप्राप्ति का मतलब समझते हो आप लोग? देखो संस्कृत का शब्द संप्राप्ति का मतलब किस तरह से शरीर में द्रव्य ज गुण ज कर्म ज दोष जो है पनपे है, दोषों का निर्माण हुआ है, और निर्माण होने वाला जो दोष किस तरह से स्रोतोगामी होकर के वो दोष उत्पन्न किया, उसको अक्षरशः हमें समझना होगा। और यह समझने के लिए सबसे बढ़िया इसका स्थिति है वह है प्रश्न परीक्षा। हमें रोगी को हर एक स्थिति में पूछना होगा, उसको पूछना होगा सुबह कितने बजे आप जगते हो। अगर रोगी बोलता है 10 बजे जगते हैं, तो 10 बजे जगने का मतलब क्या है कि यह गलत समय पे मतलब कि जग रहा है। इसका जो है सूर्य के जो प्रखंड, जो सूर्य का जो सुबह सुबह का जो किरण है उससे ये है ना अलग हो गया होगा। फिर पूछेंगे भाई उठने के बाद सबसे पहले क्या करते हो, अगला कहेगा सर हम तो चाय पीते हैं, तो सुबह सुबह पानी पीने का इतिहास हो गया, तो इससे मंदाग्नि होने का संभावना होता है। ये सारी चीजें हमें आयुर्वेदिक ग्रंथ पढ़ने से पता चलता है। चरक संहिता रोज आप पढ़ते रहो तो सुबह उठने के बाद पानी पीने से क्या होता है, कौन कौन से व्याधि होते हैं, सुबह उठने के बाद कच्चा कोई भी व्यायाम बिना किए ही लोग जो सुबह सुबह ये खाते हैं ना, क्या बोलते हैं, चना रात में भिगाया हुआ, एलोपैथिक वाले तो कहते हैं हाँ जी खाओ खाओ, अच्छी बात है सुबह सुबह चना खाना चाहिए भिगाया हुआ, लेकिन पूछना ये है, हाँ भाई अच्छी बात है आप चना खा रहे हो, लेकिन क्या उसको डाइजेस्ट, कच्चा चना
अग्नि कर्म किया नहीं है, कोई भी चीज बिन पकाए तो शरीर में डायरेक्टली नहीं डालना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप योग करते हो, अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हो, शरीर उसको डाइजेस्ट करने के योग्य पहले आप बनाओगे तो उसके बाद चना आप खा सकते हो। तो आहार में गड़बड़ी यहाँ समझ में आएगा। पूछे कि भाई आप योगासन करते हो, कुछ एक्सरसाइज करते हो? ना ना, अरे कहाँ करना, सुबह उठा चाय पिया और चने कच्चा, अरे डॉक्टर ने बोला है जी टमाटर खाओ गाजर खाओ सुबह सुबह, फिर तुरंत वहां पर उसको क्या हो सकता है, व्याधि मंदाग्नि हो सकता है। मंदाग्नि में किस तरह का अग्नि, तो यहाँ पर अम्ल पित्त की जो आप जब संप्राप्ति पढ़ोगे, अम्ल पित्त, अम्ल पित्त वहां जाकर के आप देख लो, रक्त पित्त देख लो जाकर के, रक्त पित्त और अम्ल पित्त, वहां पर ये संप्राप्ति आपको मिलेगा, ये हेतु आपको पढ़ने को मिलेगा कि सुबह सुबह बिन व्यायाम किए ही ज्यादा द्रव पदार्थ का सेवन ज्यादा हो रहा है। तो क्या है, देखो गाजर ककड़ी ये क्या है, द्रव है, उसमें लिक्विड फॉर्म ज्यादा है, उसमें पानी ज्यादा है, ककड़ी हो गया, ये सारी चीजें। तो हमें हर एक चीज को छोटे छोटे करके उसको पूछना है। नाड़ी तो हम देख रहे, व्याधि हमें पता चल रहा है, लेकिन वो व्याधि किस तरह से बना है उसको जाने बगैर तो हम नहीं कर सकते। वही एक जरिया है जिसके माध्यम से हम, जैसे अब देखो यहां पर अगर अम्ल पित्त होता है, सुबह सुबह व्यक्ति बिना एक्सरसाइज किए ही ये सारी चीजें खा लेता है, चने वगैरह, तो खाने से क्या हो गया, द्रव गुण बढ़ गया। जब द्रव बढ़ता है तो धीरे धीरे पित्त में द्रव गुण है, पित्त तो बढ़ रहा है लेकिन मंदाग्नि भी हो रहा है, क्योंकि कफ के साथ संसर्ग होने वाला जो द्रव जल महाभूत वाला, ये गुण बढ़ा है, अग्नि नहीं बढ़ा। पित्त में अग्नि और जल है, जल को ही हमें द्रव, हमने बोला है द्रव, है ना, जल महाभूत तो बढ़ा है पित्त में लेकिन अग्नि नहीं बढ़ रहा है, डिसबैलेंस हो गया। वो जल महाभूत कैसे बढ़ रहा है, उसके आहार के वजह से। नित्य इस तरह से उठा और चाय पिया, लस्सी पिया, पानी एकदम चकाचक छान के पानी पी रहा है, और चने खा रहा है, गाजर ककड़ी पता नहीं क्या कुछ खा रहा है, इससे क्या हो गया, द्रव गुण बढ़ गया, बढ़ने से मंदाग्नि हुआ, होने के वजह से अब देखो ऊर्ध्वगामी होगा वही पित्त, उससे क्या होगा, अम्ल पित्त होगा। अगर वो जो है, चूंकि पित्त है, पित्त बढ़ रहा है द्रव गुण के साथ, तो रक्त में द्रवता बढ़ेगा, रक्त के भार बढ़ेगा, तो रक्त पित्त भी हो सकता है। तो जगह जगह से, आंखों से, नाक से, मुंह से, मल द्वार से, पेनिस से, है ना, हर जगह से, कान से, स्किन से भी कभी कभी ब्लीडिंग होना, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो हमें ये सभी चीजें बड़ी गहराई से समझना होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा विषयांतर हो गया था, लेकिन आप लोगों को इसी तरह से चीजें समझना है, ठीक है। तो गर्म चीजों की इच्छा जब वायु बढ़ता है तो होता है, अनिद्रा, नींद की कमी होना, जब वायु बढ़ता है तो अनिद्रा, बलहानि, शरीर में ताकत की कमी होगी। तो ताकत देने वाला कौन कौन सा है, एक कफ है और एक पित्त है। जब वायु बढ़ता है तो इन दोनों को धीरे धीरे इनके कर्मों को थोड़ा नुकसान करता है, तो शरीर में ताकत की कमी होगी। मल कड़ा होगा। अब चूंकि वायु का स्थान कहाँ बताया गया है, वस्तिक क्षेत्र में, अपान स्थान जो है वो वायु का निवास स्थान है उसका। तो वायु कर्मज गुणज द्रव्यज जो है बढ़ रहा है परमाणु रूप से, तो सबसे पहले तो अपने स्थान में काम खराब करेगा, तो अपान वायु में उसकी दुष्टि होगी, उसके वजह से, क्योंकि वायु का जब रूखा वाला गुण जब बढ़ेगा तो मल जो है एकदम कड़क रहेगा, ठीक है। और शरीर में कंपन होना, शरीर में कभी हाथ कपे, कभी पैर कपे, यूरिन करते वक्त भी कभी पैर कंप जाता है, कभी सिर कंपता है, कभी क्या होता है ना। तो ये सारे जो कंपन है ये वायु के बढ़ने की वजह से होता है। वायु को, वायु के संदर्भ में हम लोगों ने क्या बात किया था कि वायु जो है अपने अपने इंद्रियों का, जो इंद्रिय है उसका, उसकी विषयों को ग्रहण करने की क्षमता वायु रखता है। ध्यान से सुनिएगा, है ना, हर एक बातों को। वायु, वह वायु ही है जो इंद्रियों को,
इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने का कार्य करता है। कल परसों भी पढ़ा था, उसको जोड़ते हुए देखिए, आप लोग रोज च्यवनप्राश खाइए, बादाम खाइए, क्या क्या चीजें जो कि ब्रेन को थोड़ा शार्प करे, है ना। जो मैं पहले पढ़ाऊंगा उसको आज के साथ जोड़ते हुए जाना है। तो वायु विषयों के साथ, विषयों की इंद्रियों का जो विषय है, इंद्रियों का विषय का मतलब आंख किसी चीज को देखता है, तो किसी चीज को देखना आंख का विषय है, किसी चीज को स्पर्श करना त्वक हमारे जो स्किन है उसका विषय है। तो आंख किसी चीज को देख नहीं पा रहा है तो चक्षु के विषय से रहित हो गया हमारा नेत्र, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो मन है वो इंद्रियों के साथ मिल करके उसके विषयों को प्रॉपरली ग्रहण करने में सक्षम नहीं होना, यह क्या है, ये वायु का वड़ने का गुण है। इसीलिए जो वात प्रधान व्याधि होते, वायु बढ़ने के वजह से जब बढ़ जाता है शरीर में तो बड़ा चंचल प्रकृति का होता है वो आदमी। हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा चंचल होता है, कभी इधर कभी नाक में कभी कान, क्यों, क्योंकि उस इंद्रिय का जो विषय है उसको प्रॉपरली ग्रहण करने नहीं देता वायु। एक जगह स्थिरता से बैठने, इसका मतलब बैठने नहीं देगा किसी चीज को स्थिरता से। अगर वो ऐसा आदमी जिसके शरीर में वायु बढ़ा है, अगर वो आदमी आपकी दुकान में, मान लो आपका एक मोबाइल का दुकान है, तो बस देख लो नाड़ी का और आयुर्वेद का देखो कितना लंबा प्रयोजन है। आप एक दुकानदार हो, अगर आपने कफित वात इन तीनों के भेद को समझ लिया तो कितना अच्छा लगेगा। मोबाइल का दुकान है, देखा हाँ इसके वायु बड़ा है, इसका मतलब ये मेरा दिमाग चाटेगा, लेगा कुछ नहीं। आपके पास दुकान है कपड़े का, लेडीज आ गई, आपने देखा इसके वायु बढ़ा हुआ है, प्रकृति से ही लग जाता है, इसका मतलब मेरे बस दिमाग चाटने वाली है, अब ये सामान खरीदने वाली नहीं है, क्योंकि विषयों के साथ वायु जो है, विषयों के जो इंद्रियों का जो विषय है उसको प्रॉपरली ग्रहण करने नहीं देता। वो कपड़ा उसके क्वालिटी अच्छा है या नहीं आप जितना मर्जी समझाओ, लेकिन उसको समझने का नहीं, अगले को मतलब भी नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान थोड़ी देर में वहां से बाहर निकल जाएगा। वो उसका दिमाग कहेगा नहीं दूसरी दुकान में जाओ, यहां पर पसंद नहीं है। तो आयुर्वेद देखो कितना बड़ा चीज है, सिर्फ चिकित्सकों के लिए थोड़ी है आयुर्वेद, हर किसी के लिए कितना काम का चीज है, ठीक है। प्रलाप, प्रलाप भी वायु के लिए बताया है, बक बक करना बोलते हैं ना हम लोग, बहुत ज्यादा बक बक करने की आदत होती है, बोलता ही रहेगा बंदा, चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलता रहेगा, वायु बढ़ गया। भ्रम, भ्रम और दीनता, भ्रम, आपने कभी दिशा भ्रम होते देखा है आपने? दिशा भ्रम का मतलब होता है यार ये पेड़ जो है पहले तो इधर दिखता था, अब ये इधर कैसे दिख रहा है, दिशा भ्रम किसी किसी को होता है। ज्यादातर वात प्रदान वाले व्यक्ति को वायु जब पड़ जाता है तो दिशा भ्रम हो जाता है, ऐसे आदमी के साथ यात्रा करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे आदमी कभी ड्राइवर के काम नहीं कर सकता, वो रास्ता ही भूल जाएगा, वो कहेगा यार ये रास्ता तो इधर जाता था अब इधर कैसे घूम रहा है, दिशा भ्रम। और भ्रम का दूसरा भी अर्थ है कंफ्यूज हो जाना, उसके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। और दीनता, देखिए वायु बढ़ने से क्या क्या हो रहा है, दीनता, दीनता मतलब हमेशा वो मरु मरु करता रहेगा, पढ़ने के लिए बैठा है 85% आ गया उसका रिजल्ट फिर भी खुश नहीं है, अरे भैया क्या करना, चटनी लगाओगे जो 95 आ जाए 100 आ जाए क्या करेगा उसका, कहता सर 85 आ गया थोड़ा और आना चाहिए था। दीनता, जितना मर्जी पैसे कमाओ जितना मर्जी कुछ भी बनाओ उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं, खुशी नहीं। सर मेरा एक सवाल है, ये जो मानसिक बीमारी होती है इसमें वायु सबसे ज्यादा प्रधान होता है ना सर? किसमें?
जो मानसिक बीमारियां होती है। हाँ, मानसिक जो बीमारी है, आपको पता है एक आयुर्वेद में एक अपस्मार के करके एक व्याधि है, अपस्मार। अपस्मार और उन्माद दो दो व्याधियों के बारे में चरक में लिखा हुआ है। चरक को अगर आप पढ़ते हो ना तो कितना इतना मजा आता है। जितनी बुद्धि से संबंधित व्याधि है, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, और क्या क्या चीजें हो सकता है, याददाश्त की कमी हो, और बोलिए जरा क्या क्या हो सकता है जो बुद्धि के वजह से होने वाली समस्या है, बुद्धि विभ्रम, वो सभी अपस्मार के कैटेगरी में आते हैं। कभी आपने कैलकुलेशन, कभी आपने सोचा इस दिशा में? जितनी भी बुद्धि से रिलेटेड जो बातें हैं सर, याददाश्त कमी, सर बुद्धि याद नहीं आ रहा है, सर मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, सर संज्ञा नाश हो रहा है, याद मतलब कि मेमोरी लॉस हो रहा है, सभी अपस्मार की कैटेगरी में आता है। समझने के लिए हमें मॉडल जो साइंस है, आयुर्वेद हो या एलोपैथी को, वहां अगर आप जाओगे तो भ्रमित हो जाओगे इस सब। जितने भी मन से जुड़े हुए व्याधि है वो सभी उन्माद में आता है। मन से जुड़े हुए क्या क्या हो सकता है, आप ए टू जेड जो भी लो जो मन से जुड़ा हुआ है वो सभी उन्माद में आता है। सर डिप्रेशन भी तो है, डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन, डिप्रेशन वगैरह सब उसमें आता है सर। साइकोप्रेनिया अपस्मार को ही बोलते हैं, एपिलेप्सी मैं बोल रही है, एपिलेप्सी बोल रही है, अपस्मार को ही एपिलेप्सी बोलते हैं, अपस्मार एपिलेप्सी मिर्गी। देखो डिप्रेशन साइकोप्रेनिया के संदर्भ नहीं है, डिप्रेशन साइकोप्रेनिया सिजोफ्रेनिया, ये सारे आपके उन्माद में, ये आपके अपस्मार में आएंगे, ये सिजोफ्रेनिया। जो भी बुद्धि पागलपन की आएगा, पागलपन वो सभी पागलपन का उन्माद है, ये देने से उन्माद है, वो सभी उन्माद के कैटेगरी में आएंगे जो मन से जुड़े हुए। आप ये चीजें आपको मॉडल साइंस, मॉडल जो आयुर्वेदा हो या एलोपैथी को, उसके नजरिए से, काय चिकित्सा के नजरिए से देखोगे तो ये आप कहोगे नहीं गलत है, लेकिन चरण की दृष्टि से आप कभी देखने का प्रयास करो। उस अपस्मार, अपस्मार अध्याय, अपस्मार के जो अध्याय है वहां जाइए चरक में, और जाकर के ध्यान से उसको पढ़िए, और वह संदर्भ कहाँ कहाँ जोड़ करके गया हुआ है, कौन कौन से प्रसंग हमें अपस्मार के साथ जोड़ने वाली व्यवस्था और वो बातें जोड़ करके दिखाया जा रहा है। जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे जो रक्त पित्त है, क्या नाम है, गुल्म नाम का जो एक व्याधि है, गुल्म सुना होगा आप लोगों ने, गुल्म का मतलब सिर्फ गोला नहीं है, पेट में वायु गोला को ही गुल्म नहीं कहते, गुल्म जो है एक प्रकार का शोथ को गुल्म बोलते हैं, और गुल्म का मतलब बवासीर भी हो सकता है, गुल्म का मतलब कैंसर भी हो सकता है, वो सभी गुल्म कैटेगरी में आएंगे, लेकिन कई चिकित्सा की दृष्टि से देखेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। जब आप चरण को पढ़ोगे तो वहाँ आपको गुल्म व्याधि को ध्यान से पढ़ो बस। सर गुल्म मींस स्प्लीन को बोला जाता है? गुल्म का मतलब है, नहीं नहीं नहीं, गुल्म का ट्यूमर है क्या वो? बोला सा किसी चीज ट्यूमर है, ट्यूमर। तो ये गुरु जी ये एक प्रकार से ऐसा बोल रहे हैं क्या आप, जैसे कि वायु अतड़ियों में एक जगह बैठ जाता है और पीड़ा देता है, तो ये एक प्रकार से गुल्म का प्रकार है क्या? स्रोतज में आपको बता दूं गुल्म के बारे में, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, आपने एक, आप आंख बंद करो और एक स्थिति को आप जरा कल्पना करो, आप एक स्थिति को, एक कोई चीज है, मान लो कोई एक स्रोतस है, हमारे स्रोतस है जहां पर रस वह रक्त बहुत सारे स्रोतस है, उस स्रोतस के वहां पर कुछ भी बह रहा है, चाहे ब्लड बहे चाहे कुछ भी बहे, है ना, उसमें आप ऐसा करके अंगुली लगा दो और उसको दबा दो, उसको आप बंद करो, किसी भी जगह में आप बंद कर दो। बंद करने से वहां दो स्थिति होंगे, जहां बंद हुआ उससे आगे क्षय की स्थिति होगी,
जहां बंद किया आपने वहां क्षय होगा, नाश हो रहा है, वह चीज आगे बह के नहीं जा रहा है, कमजोर हो रहा है, सूख रहा है। जहां आपने दबाया उसके पीछे तिर्यगामी होकर के वायु घूम रहा है वहां पर ऐसे। गुल्म, गुल्म का मतलब क्या है? जैसे आपने देखे होंगे आप बड़ा सा पानी है, नदी है, डैम आग बीच में रोक ऐसा करके, तो पानी वहां भ्रमर जैसा घूमता है, बेसिकली घूमने का नाम है गुल्म। गुल्म तो गुल्म जो व्याधि है, जहां आप दबाओगे उसके आगे क्षय हो रहा है, उसके पीछे भ्रमर हो करके थोड़ा सा वहां उठेगा चीजें, है ना, थोड़ा सा, है ना, जैसे यहाँ बबुल जैसा थोड़ा फूलेगा वहां पर, तो उसे हमने बोला सोत हो गया, यानी स्वेलिंग हो गया। क्या हो गया? स्वेलिंग। स्वेलिंग होते ही अब वहां चूंकि वायु भी है, क्योंकि गति कराने का काम वायु का है, वायु क्या है फिर आगे, तो वहां से तो डायरेक्टली तो नहीं जा रहा है, तो वायु क्या है, विमार्ग गमन हो जाएगा वहीं से। कहां से होगा? उस जगह से। अब वह जगह कहां है? ऐसी स्थिति किस जगह में हुआ शरीर के, किस जगह में हुआ? अगर ये लीवर में हुआ तो वो लीवर से संबंधित होगा, नाम रख जाएगा कुछ भी। अगर वही अपान क्षेत्र में होगा तो अपान में, अगर लेडीज के यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के आसपास में होगा तो वो उसे हमने कह दिया भाई ये रक्त गुल्म है, रक्त गुल्म कुछ भी है। कहां हो रहा? तो इसके इलाज क्या है? वो नामकरण करना छोड़ दो। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ किसी चीज ने अवरोध पैदा किया है, अग्नि की कमी के वजह से कफ के परमाणु बढ़ गया और अवरोध हो गया, उसके वजह से वायु प्रॉपरली जा नहीं पाया, वहां फूल गया थोड़ा सा, गुल्म बन गया और वायु बीमार गमन हो गया, अपने स्रोत से छोड़ करके दूसरे रास्ते की ओर निकल पड़ा, तो फिर और बहुत सारे व्याधि भी हो गया। गुल्म के संदर्भ में आप जब देखोगे तो ब्रेन हेमरेज की बातें भी वहीं पर आएगी, अर्श की बातें भी वहीं पर आएगा, और क्या क्या, ट्यूबरकुलोसिस की बातें भी वहीं पर आएगा, ट्यूमर जैसे कैंसर की बातें भी वहीं पर आएगा। उसके मूल हेतु क्या है? वो ट्यूमर जैसा है, वही जो दबाया गया इधर पीछे, वो जो बह करके जा रहा है वो प्रॉपर रास्ता नहीं बन पाया, तो वहां पर गुल्म हुआ यानी घूम रहा है वहां पर, तो होने से सोथ यानी स्वेलिंग उत्पन्न हो गया, आगे सूख गया, पीछे स्वेलिंग हो गया, वायु विमार्ग गमन वहां से हो गया, उसी जगह में व्याधि उत्पन्न हो गया। यत्र संग खवई गुण्यात व्याधि तत्रोपजायते, इसीलिए बताया गया। समझ में आया? ये शब्द आयुर्वेद में लिखा हुआ है ना चरक में, यत्र संग खवई गुण्यात व्याधि तत्रोपजायते, जहां संग हुआ, कहां हुआ संग? किसी एक जगह में हुआ। यत्र संग खवई गुण्यात, यहीं पर विगुण्यता उत्पन्न हो गया, व्याधि तत्रोपजायते, वहीं पर व्याधि उत्पन्न हो गया। चलो विषय विषयांतर हो गया आप लोगों के संदर्भ पर, लेकिन सर मेरा एक और सवाल है, अभी आयुर्वेद ने जो व्याख्या की है शरीर आत्मा इंद्रिय और मन, ये वायु दोष में तो ये सभी भी बीमार हो जाएंगे जी? क्या जो आयुर्वेद की व्याख्या में हमारा शरीर मन इंद्रिय और आत्मा जो कहा गया है सर, ये वायु दोष में ये सभी भी बीमार हो जाएंगे, शरीर भी होगा, इंद्रिय भी होगा, मन भी होगा। देखो आप इसके आप भाव को समझो, यह क्या बोल रहा है, जब वायु बढ़ता है तो वायु में गमन, सबसे पहले हमने वायु के विषय में क्या बोला था, वायु में तीन कर्म है, कौन कौन से है? गमन, मूवमेंट, आगे बढ़ना, किसी चीज को आगे लेकर के जाना, वायु का ही काम है। पंगु पित्त पंगु पंगम मलदाहत, बाकी तो सारे पंगु यानी लंगड़े है, जा नहीं सकते बेचारे, ले जाएगा वायु, तो गमन कार्य वायु का, ज्ञान और प्राप्ति, ये तीन विशेष कार्य वायु के है जिसे हमने समझना है। ज्ञान और प्राप्ति, ज्ञान, ज्ञान कर्म, गमन कर्म और प्राप्ति। प्राप्ति मीन्स उसको एक्सेप्ट करना, स्टोर करना, जैसे आंख ने देखा और यहाँ जाके ब्रेन में स्टोर हो रहा है, वो क्या है? ज्ञान भी हो रहा है, आंख से देखा गया ज्ञान स्टोर हो गया, प्राप्ति हर जगह हो रहा है, ये तीन क्रिया हर जगह हो रहा है, आपको समझना होगा। अब इसी क्रिया के, हाँ जी, एक सेकंड पहले मैं इनके सवाल को अर्थ में जवाब दे दूं। इसी के आधार पर आप जरा ये सोच लो कि वायु का काम मूवमेंट कराना है। अब मूवमेंट मनोभाव के वजह से भी होता है, ऑर्गन लेवल में भी होता है, तो वायु का क्या है? सबसे पहले हमने प्राण वायु और समान वायु के संदर्भ में क्या पढ़ा था?
कि हमारे मन की जो मन का इंद्रियों के साथ आत्मा के साथ संबंध कौन कराता है? वायु कराता है। संबंध हमारा स्वस्थ शरीर है ऐसा हमने माना था, तो संबंध बनाना कहीं मूवमेंट हो रहा है वो किसका काम है? वायु का है। तो मन इंद्रियों के विषयों के साथ मिल करके उस विषयों को ग्रहण प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है? वायु डिसबैलेंस हो रहा है, वायु ज्यादा बढ़ रहा है। ज्यादा बढ़ रहा है तो अभी मैंने आपको बताया था, एक लेडीज आई कपड़े खरीदने और उसने प्रॉपर इग्नोर किया, मतलब कोई भी देखती है तो क्यों? क्योंकि वायु इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि वो चीजें बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में सामर्थ्य नहीं रहता उस व्यक्ति का शरीर जिसके शरीर वायु बढ़ा है। हालांकि यह अलग विषय है कि कौन सा वायु है, यह समान वायु है, समान वायु हृदय के साथ जुड़ा हुआ है, समान वायु का ही संबंध हमारे इंद्रिय और विषयों के साथ होता है। आदमी एक मोटरसाइकिल में जा रहा है वहां गिर गया, तो वहीं से उसका माइंड उल्टा पुल्टा हो गया, तो वो कारण क्या है सर? मोटरसाइकिल में जा रहा है, जाना गमन क्रिया जो है वायु का है, वहां गिर गया, गिर गया, गिरने से जो विक्षिप्त जो स्थिति आ गया उसके मन में, क्योंकि इंस्टेंटली कोई चीजें जब हो जाता है तो यहाँ पर भी विचलित कौन होता है? वायु ही होता है। जी सर, जी सर। तो उसके बाद उसमें जो दर्द होगा, उसमें एंजाइटी जैसा होगा, घबराहट जैसी होगी, एक प्रकार का विस्मय जैसे, भ्रम जैसी स्थिति होगी, वो सब वायु का ही काम है। जहां जहां मूवमेंट होगा वहां वहां वायु है, समझ लो। जी सर। आपके पास कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा है, इसका मतलब वायु बढ़ गया, समझ लो। जी। जहां जहां वायु का चल गुण बना है सर, वायु का चल गुण बना है, चल गुण। हाँ, चर गुण, चर का मतलब है मूवमेंट होना। यहाँ पर अगर आप गुण जब बात करोगे तो जो विषयों के साथ संबंध उसका नहीं हो रहा है इंद्रियों के विषयों के साथ, तो यहाँ वायु के चल गुण बढ़ा हुआ है, चल गुण बढ़े से ऐसा हो रहा है। तो अगर वायु, अब वही वायु अगर क्षय होता है, वायु अगर क्षय होता है तो क्या क्या होगा? शारीरिक क्रियाओं में मंदता। अब देखो वही है क्रिया, क्रिया मीन्स उसकी एक्टिविटीज, एक्टिविटीज क्या है? वही गति। उसकी वायु का जो प्राकृतिक जो गति वाला जो व्यवस्था था उसमें कमजोर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये ध्यान देना, हालांकि मैं बहुत ज्यादा आज विषय अंतर हो रहा हूँ, ये मेरा आज का अभी का विषय नहीं है, जब मैं कभी चरक संहिता वगैरह पढ़ाऊं तो शायद मैं वहां पर ये सारी चीजें बता सकता था, लेकिन फिर भी एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमेशा जब वायु बढ़ता है तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि कफ कफ कम हो गया। कफ के प्राकृत अवस्था में रहते हुए भी वायु बढ़ता है और वायु के बढ़ने से वैसी स्थिति नजर आएगी, शरीर की क्रियाएं मंद पड़ जाना। अब वो तो आपको समझ में आ ही गया, अगर वायु क्षय होता है तो बोलने में शक्ति का ह्रास होना, बोलना जो है असमर्थ हो जाना, वायु कम हो रहा है, मन की प्रसन्नता का अभाव होना, मन की प्रसन्नता का अभाव होना। शरीर में प्रसन्नता कौन देता है? पित्त और कफ, ज्यादातर पित्त ही प्रसन्नता को देने वाला है। किसी के शरीर में अगर अग्नि कमजोर होगा, इस व्यक्ति के शरीर में अग्नि कमजोर होगा, इसको कैसे डिसाइड किया जाए? ए हार्दिक थोड़ी देर रुक जाए, मुझे कोई बताएगा जरा, किसी व्यक्ति के शरीर में इसकी अग्नि कहां पर की अग्नि पता करे सर, कहाँ पर की अग्नि, इसको पूछ रहा था कि किस पांच प्रकार की अग्नि है, कहीं का भी अग्नि की बात हो रही है, जठराग्नि होगी ना मुख्य, तो अग्नि तो जठराग्नि, तो जठराग्नि ज्यादा है या कम, इसको कैसे जाना जाए? भूख नहीं लगता है तो अग्नि मान जाओगे। किसी आदमी के, आदमी को जो हम मेडिसिन देंगे तो क्या स्थिति इतना पर्याप्त है कि भूख नहीं लग रहा है तो इसके अग्निमंद होगा?
मंद अग्नि होने से भूख नहीं लगता, ये क्या हर व्याधि में संभव है? नहीं सर, नहीं है सर, क्योंकि स्वता से भी जुड़ा हुआ चीज है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भूख लगती है लेकिन फिर भी मंद अग्नि, फिर वहाँ क्या कहोगे? यहाँ पे सर पित्त का द्रव्यमान भी बढ़ा हुआ है ना, पित्त का बढ़ा है पित्त का द्रव्यमान भी बढ़ा हुआ है। आप लोग ये देख लो, पित्त बढ़ता है तो ज्यादातर क्या करता है पित्त के बढ़ने से? जो पित्त है उस व्यक्ति के वल और वर्ण को देने वाला है। प्राकृत पित्त व्यक्ति के वल वर्ण इन दोनों को देने वाला है। अगर कोई आदमी का शरीर में वल क्षय हो रहा है और वर्ण के क्षय हो रहा है, शरीर में चमक की कमी है, लाइट नहीं है, इसका मतलब है हाँ वाकई में इसका पित्त या इसके शरीर में अग्नि मंद है। इस हिसाब से अगर आप जाओगे तो आप कभी भी किसी भी व्याधि में फेल नहीं रहोगे। कहीं भी देखो आप, अगर उसके अग्नि मंद होगा तो मंद अग्नि उसके बल और वर्ण को नष्ट कर देगा। समझ में? बल वर्ण और बुद्धि, बुद्धि मेधा विमान आदि अभिप्रेतार्थ साधना, तो ये सारे चीजें उसके क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। एक श्लोक था यहाँ पर, मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है कि बल वर्ण कृत ऐसा कुछ है उसमें, दर्शनम अग्नि रेव शरीर तंत्र पिता। तो बल वर्ण और बुद्धि को देने वाला कौन है? पित्त है। तो इन तीनों को आप देखोगे, उसको पूछोगे कि शरीर में बल कितना है, साहस कितना है, बल चेहरे के रौनक कैसा है, लाइट कितना है, बस यही एक डायग्नोस का प्रोसेस है अग्नि का, जो हम हर व्याधि में लगा सकते। जहां जहां अग्नि के मंद होगा, जब भी कभी होगा किसी भी व्याधि में, क्योंकि सभी प्रकार का जो व्याधि है वो मंदाग्नि ही उसका हेतु है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगा, हालांकि मैं उन सारे बातों को यहाँ लेके नहीं बैठूंगा, जहां पर अग्नि तो बहुत तेज भूख ज्यादा लगती है लेकिन फाइनली उसको मंदाग्नि है। तो यहाँ पर तो फिर भूख, हम अग्नि उसका कमजोर है या नहीं उसके लिए तो हम भूख को तो नहीं चलाएंगे, लेकिन उस स्थिति में उस व्यक्ति के शरीर के लाइट कमजोर होगा और उसके शरीर में बल की हानि होगी। इसको जान करके हमें सबसे पहले उपचार में उसके बल को बढ़ने वाली और उसके शरीर के लाइट को बढ़ने वाली ऐसी चिकित्सा हमें देना चाहिए। ठीक है, अगर वायु क्षय होगा तो संज्ञानाश या बुद्धि का मोह हो जाना, ठीक है, बुद्धि में मोह हो जाना, कफ दोष से उत्पन्न होने वाले विविध प्रकार के रोगों के उत्पत्ति एवं उत्साह हानि, उत्साह की हानि, ये वायु के क्षय होने से होता है। ऐसा ही पित्त के संदर्भ में, जब पित्त बढ़ता है तो जहां जहां पित्त का निवास बताया गया है कहां कहां है, कहां कहां बताया हमने पित्त कहां कहां रहता है? हृदय में, गले में और गॉलब्लैडर, तीन तो पता नहीं, रंधा पित्त वगैरह, पांच पित्त है ना, भाजक पित्त स्किन में, अरोचक पित्त आयु, पित्त की बात, पित्त हमारे पसीने में पित्त का निवास स्थान है। कल परसों मैंने बताया नहीं था, आप वहां पर जाइए, मुझे लगता है आप लोग
हाँ जी देखिए जरा पित्त को, पित्त को देखिए एक बार, पित्त कहाँ का, क्योंकि किसी चीज को छोड़ करके नहीं जाना है हमें, है ना। देखो स्वेदो रसो लसिका रुदिरा मासयस्य पित्तस्थानानि प्राप्यामासयो विशेषेण पित्तस्थानम्। स्वेदो, स्वेद यानी पसीने में पित्त है, जब वायु बढ़े, पित्त जब बढ़ेगा तो शरीर में पसीना ज्यादा आएगा क्योंकि वो अपने स्थान में वृद्धि को दिखाएगा ना पहले। तो रसो, रस में भी पित्त का अपना निवास स्थान है। द्रव्य च गुणज, उस जगह में भी पित्त जब बढ़ेगा शरीर में तो रस की मात्रा भी ज्यादा होगी, जिसे हम द्रवांश बोलेंगे। लिम्फ, लिम्फ में पित्त का स्थान है तो वहां पित्त होगा तो उसकी मात्रा भी जब बढ़ेगा, ठीक है। रुधिर यानी ब्लड भी, रक्त भी पित्त का सबसे बढ़िया स्थान है। जब जब पित्त बढ़ता है तो ज्यादातर रक्त का भार बढ़ता है, रक्त का संख्या बढ़ता है, रक्त का अधिक, जैसे रक्त पित्त में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। पित्त स्थानानि तत्रापि आमाशयो, आमाशय जो है पित्त का अपना स्थान है। जगहों में आप लोग देखो जरा तो क्या होगा, उन जगहों में जब पित्त कभी भी बढ़ेगा, आपको मिडिल फिंगर में स्पाइक अगर आपको दिखेगा बहुत ज्यादा, सुपरफिशियली हम बात कर रहे हैं अभी, सुपरफिशियली अगर आपको मिडिल फिंगर पे स्पाइक दिखेगा तो क्या क्या होगा, उन उन जगहों में डिसबैलेंस होगा, पसीना ज्यादा आएगा, ब्लड का भार ज्यादा होगा, ब्लड ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि रक्त में पित्त का प्रभाव हो रहा है। रस धातु जहां जहां है, कहां है, स्किन में रस धातु है तो त्वचा, नेत्र यानी आंखें, यूरिन में पुरुष का पीत वर्ण हो जाना, ये बढ़ने से हो रहा है। इतना आसान है आयुर्वेद को, बस थोड़ा सा दिमाग घुमाने की बात है, कुछ को कंपलसरी याद करना है और थोड़ा सा हमें स्टडी करना है। तो माखन है, संताप होना, संताप, पित्त अपने उष्ण गुणों की वजह से बढ़ रहा है तो ताप उत्पन्न होगा शरीर में, शीतल पदार्थों की इच्छा होना, गर्मी जब बढ़ेगी तो निश्चित ही पित्त के बढ़ने की वजह से क्या होगा, लेने की इच्छा होगी। कब होता है, जब पित्त का द्रव गुण बढ़ रहा है उसके साथ साथ गर्मी बढ़ रही है और साथ में अगर उसको कुछ ठंडा चीजें पीने का मन करता है तो एक तो शरीर में पानी की संख्या बढ़ रही है द्रव की वजह से, ऊपर से वो पानी ही पी रहा है, अग्निमंद होगा फिर सर। सुकांत जी ने चक पकड़ लिया, पित्त भी बढ़ रहा है और पानी पीने का मन करता है, सर प्यास लगती है, तो यहाँ हमें फिर कौन सा क्या देना चाहिए, ऐसा चीज दो जैसे धनिया और जीरा, इनके रात में एक एक चम्मच रात में डालिए पानी में, दूसरे दिन सुबह उसको बढ़िया मसल करके हीम बना करके उसको पिला दो। हमें ऐसा चीज देना है जो कि उसके पित्त के उस द्रव गुण जो बड़ा था अपने उष्ण गुणों के साथ उसको पिपास यानी प्यास दिला रहा है, इसको छद्म प्यास बोलेंगे, छद्म पिपासा, झूठ मूठ का भूख लगता है कभी कभी शरीर में, झूठ मूठ का प्यास लगता है कभी कभी शरीर में, जरूरत नहीं है पानी की लेकिन फिर भी ये ऐसी सिचुएशन तभी होती है, तो ऐसे में हमें उस झूठ मूठ को थप्पड़ मारना है, भूख लगे तो उसको हटाने के लिए व्यवस्था करना चाहिए कि भाई भूख ना लगे बस, क्योंकि आवश्यकता नहीं है, प्यास ना लगे ऐसी सिचुएशन में आवश्यकता नहीं है। ये मेरे साथ कल हुआ सर, ये क्या प्यास में ना मैं पानी पिया, फिर मैं लगातार पानी पीता गया प्यास बुझी नहीं रहा था जबकि मन नहीं था पानी पीने का। सुकांत जी आप समझ रहे हो, और फिर मैंने क्या किया, रोगी आपको बोलेगा तो ऐसा ऐसे बात है सर हमें से पानी है ना जी, तो वहाँ हमें ध्यान देना, जैसे अब यहाँ क्या देना है, यहाँ पर हमें कुछ जैसे एक भस्मक रोग आप लोगों ने सुने होंगे, जितना मर्जी खाओ भूख लगता रहता है,
थोड़ी देर तक ना खाओ तो भस्मक रोग यानी इतना पित्त का आपका कि द्रव गुण तो उसमें लेस मात्र नहीं होता, सिर्फ उष्ण गुण होता है पित्त का, एकदम बड़ा हुआ है भस्मक रोग, शरीर पूरा रूखा रूखा हो जाता है, बीमारी सारा फट जाता है, शरीर एकदम सफेद सा बन जाता है, भूख बार बार लगता है, अभी खाया फिर खाओ फिर खाया फिर खाओ फिर खाया, साला भूख ही नहीं मिटता न प्यास मिटता, क्या चिकित्सा दिया जाए? उसके शरीर में गुरुता की कमी है, किसकी कमी है? द्रव गुण बड़ा है, लघु गुण बड़ा हुआ है, उष्ण गुण बड़ा है उसके, उसको वहां बोला जाता है आप भैंस के दूध दे दो, भैंस का दूध दे दो, उसमें चावल डाल करके खीर बनाओ उसको दे दो, और ऐसी चीजें दे दो जो कि मंदाग्नि का कारक हो, कारण करता हो, जैसे भैंस का दूध है बड़ा मंदाग्नि कारक है। अब आयुर्वेद में तो गाय के मांस बोलते हैं, मांस में सबसे ज्यादा मंदाग्नि करने वाला है गाय का मांस। तमोगुण का है, इसलिए उसको खाने के लिए मना किया गया, तमोगुण ही है वो मांस, गाय का मांस ये ना, इसीलिए क्योंकि वो संहिता में लिखा है ये यज्ञ के दौरान गाय का मांस काटे खाने से अग्निमंद की स्थिति हो गई। वो एक तो है, लेकिन अग्निमंद होने का कारण वो उस मांस में ही वो क्वालिटी है, ठीक है जी। शीतल पदार्थों की इच्छा होना, निद्रालपता, नींद की कमी होना, पित्त जब बढ़ता है तो भी नींद की कमी होती है, वायु जब बढ़ता है तो भी नींद की कमी होती है, कफ जब बढ़ता है तो बहुत ज्यादा नींद आता है, लेकिन वायु के बढ़ने से नींद की नींद ना आना और पित्त के बढ़ने से नींद ना आने, दोनों में अंतर है। वायु में वायु जो है, वायु में क्या होगा, कभी इधर लुढ़केगा कभी उधर लुढ़केगा, थोड़ा सा नींद आएगा फिर हट जाएगा, बीच बीच में नींद थोड़ा थोड़ा आता है फिर टूट जाता है, ये वायु में होता है। पित्त में क्या होगा, बेचैनी, टेंशन, किसी चीज को सोचते रहना, गुस्सा ज्यादा आना, है ना, इस आदमी ने कल मुझे ऐसा बोला था, रुक जा जरा साला, कल सुबह हो जाए फिर जाके ठोकूंगा, सोचता रहेगा, नींद नाम का लेस मात्र नहीं, गर्मी लगता रहेगा गर्मी, ठीक है। मूर्छा, कहीं का संप्राप्ति होगा तो समझ लो ये पित्त है। एपिलेप्सी सर, वो सोते समय जो चारों ओर उठने पे चारों ओर जो जगह घूमते हुए दिखाई देता है, ये पित्त के कारण होता है क्या? देखो, बैठते वक्त आप जमीन में बैठे हो, चारों ओर घूम रहा है लेकिन आप नहीं घूम रहे हो, ध्यान से सुनो, हाँ, हम पूरा दुनिया घूमता है लेकिन आप नहीं घूम रहे हो, तो ये है वायु, ये क्या है, अच्छा। ये वायु है, वायु में भी भ्रम है ना, आप लैट्रिन करने बैठे हो, कभी कभी होता है लैट्रिन करने बैठते हो, बैठे हो पूरा वो बाथरूम घूमता है लेकिन आप स्टेबल हो, तो ये आसपास ठीक है लेकिन आप घूम रहे हो, चक्कर आपको आ रहा, तो ये पित्त है। अच्छा, आसपास घूमे आप ठीक हो, ये वायु है, आसपास तो ठीक है लेकिन आप चक्कर आ रहा, आप घूम रहे हो। सर, बेड के जो उठते हैं ना, आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, चक्कर, आंखों के सामने अंधेरा होना वायु है, आंखों के सामने अंधेरा होना। अच्छा अच्छा, आंखों के सामने आलोचक पित्त होता है, आलोचक पित्त शायद वो हो जाता है, आलोचक पित्त उसको अग्नि काम हो जाता है, बल का छीण होना, जब पित्त बढ़ता है तो बल छीण होता है, इंद्रियों में दौर्बल्यता आ जाना, इंद्रियों में दौर्बल्यता आ जाना, शीघ्र पतन होना, अत्यधिक भूख एवं प्यास का लगना, ये पित्त के बढ़ने से होता है। जब पित्त कमजोर होता है तो शरीर में ऊष्मा की कमी होती है शरीर में, क्योंकि उस हीट को मेंटेन करने वाला पित्त है, वो जब कम होता है शरीर में गर्मी खत्म हो जाती है, हमेशा ठंडा लगा रहता है, हाथ में हाथ लगाओ शरीर में तो ठंडा लगा रहता है, हमेशा किसी गर्म चीजों की चाह वो करता रहता है, एसी चलाओ भाई, गर्म गर्म एसी, हीटर चलाओ, ऐसा होता है सर्दी के मौसम, उसके लिए बड़ा बुरा हाल हो जाता है, जठराग्नि मंद पड़ जाता है अगर पित्त अगर कमजोर होगा तो, है ना, और उसके साथ साथ धातु अग्नि वगैरह तो जठराग्नि के सहधर्मी से ही हो जाता है। और सर, किसी की बॉडी ऐसी हमेशा गर्म रहती है,
ताप ज्यादा लगता है हाथ लगाने से, जैसे बुखार रहे। किसी किसी की बॉडी सर जैसे ज्यादा हीट रहती है, हमेशा गर्म लगती है। हाथ लगाने से भी गर्म महसूस होता है। 12 महीने मतलब दो स्थिति है, एक तो आम की अवस्था में भी शास्त्रकारों ने आम जब बढ़ेगा तो भी शरीर जो है गर्म होगा, पहले मैंने बताया था, आप लोग भूल जाते। शरीर में जब आम टॉक्सिन ज्यादा बढ़ता है तो वो ऊर्ध्वगामी दोष होता है और शरीर गर्म होता है, और पित्त में भी एक प्रकार का गर्मी तो शरीर में होती है। लेकिन ज्यादातर मंदाग्नि और ज्यादातर आम की जो स्थिति है वो शरीर को गर्म करता है। ज्वर बुखार का संप्राप्ति क्या है? यही तो है ना, आम की स्थिति ज्वर का संप्राप्ति है। तो शरीर हमेशा गर्म होने का मतलब है आम ज्यादा बढ़ रहा है, टॉक्सिन शरीर में ज्यादा है तो डिटॉक्सिफाई करने का प्रोसेस शरीर हमारा करता है। शरीर के प्रभाव, अब बस वही है, बल वर्ण और प्रभाव, ये तीन चीजें पित्त का है, पहले मैंने बताया था, इसमें डिसबैलेंस होगा। शरीर के प्रभाव प्रभाव में हानि होगा, शीतता का होना है ना, शरीर जो ठंडा होगा और प्रभाव का नाश होगा, ये पित्त की वजह से। और कफ का क्या है? त्वचा नेत्र मूत्र पुरुष में श्वेत वर्णता दिखेगा, आंखें सफेद दिखेगा, यूरिन आपका सफेद दिखेगा है ना, आपके स्किन जो एकदम सफेद दिखेगा, हाथ में हाथ के जो नाखून है, नाखून हाथ हो पैर हो, हालांकि कैल्शियम की कमी से बोलते हैं लोग, लेकिन फिर भी ये ज्यादातर क्या है, कफ के बढ़ने से ये चीजें ऐसी होती है। शीतता शरीर में ठंडा बढ़ना, स्थिरता, स्थिरता का मतलब समझते हो आप लोग? अरे चलो कोई बात नहीं यार, कल कर लेते वो काम, आज सोना है, थोड़ी देर नींद आ रही है मुझे, ये कफ है। स्थिरता गुरुता हैवीनेस, मानसिक एवं शारीरिक अवसाद, मानसिक एवं शारीरिक अवसाद किसके वजह से होता है? कफ के वजह से। तंद्रा, तंद्रा का मतलब समझते हो? कोई जानता है तंद्रा का मतलब क्या है? निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य, हाँ जी, क्या है तंद्रा जी? बैठे जगह पर ढुलकी लेना। हाँ क्या बात, धुंद लगी रहती है सर। हाँ ये तंद्रा है। निद्रा का मतलब घोर नींद में सो जाना, तंद्रा का मतलब अभी न तो नींद आई है और न ही वैसे है ना, जबकि लेते रहो, वो तंद्रा है। आलस्यता का एक चरम मतलब स्थिति, उबासी आना सर, उबासी आना, उबासी आना भी वायु की वजह से ही होता है। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होना उबासी का एक ये है, उबासी। ठीक है, कुल वायु। नींद की अधिकता कफ के बढ़ने से, संधियों एवं अस्थियों में शिथिलता का होना। अब देखो कफ है, कफ अब जब बढ़ रहा है तो शिथिलता बढ़ेगी, क्योंकि कफ तो है ना गुरुता हैवीनेस देने वाला है, तो कफ जहां जहां होगा, संधि स्थान में तो कफ का है स्थान, तो वहां शिथिलता दिखेगा ही दिखेगा। कफ बढ़ेगा तो अग्नि को मंद करेगा, तो मंदाग्नि, लाला श्राव, मुख से बार बार पानी निकलते रहना, कुछ आपके पास पेशेंट आएंगे, राल निकलता रहता, बोलते वक्त भी मुंह से थूक निकलता रहता है, आसपास के सभी चीजें गीला कर देता है, ये क्या है? ये कफ है, कफ बढ़ा हुआ है। आलस्य, श्वासकाश आदि रोग, ज्यादा जब कफ बढ़ता है तो श्वासकाश आदि, छींके आना, एलर्जी होना है ना, साइटिका साइनस वगैरह होना, ये सारी चीजें क्या है? कफ के बढ़ने से। अगर कफ कम होगा तो आपको स्पाइक जो है कि वायु की ओर ज्यादा हो रहा है, और कफ में कम तो अंगों में शरीर में ड्राइनेस होगा, वही फिर वायु वाली बात हो गई। सर सोते समय मुंह से लार आती है या तो वो क्या कफ की वजह से होती है या मंदाग्नि की वजह से? लार आ रहा है कफ, क्योंकि आपके क्लेदक कफ है ना, ये लार क्या है? क्लेदक कफ है, और लार में है तो वो क्या है? तो सलाइवा जो है वो भी हमारा ही है एक तरह से, है ना, बोधक कफ बोलते हैं ना, कल परसों हमने पढ़े थे बोधक कफ, बोधक क्या है? बोधक का बोध, सलाइवा है, सलाइवा तो वही है, सलाइवा जो है बोधक कफ है, और वो हमारे मुंह से उस तरह से राल निकलता है। सर उससे क्या बीमारियां होती है क्या सर? क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जब भी ऐसे मुंह से पानी आता है तो बोलते हैं अरे ये पीड़ा देगा या फिर बीमार पड़ जाओगे, ऐसे बोलते हैं, तो ये कोई मतलब आयुर्वेद की दृष्टि से या फिर कुछ है सर?
लाला श्राप की बात कर रहे हो ना? हाँ सर। लाला श्राप का मतलब बोधक कफ ज्यादा हो रहा है उसके। अच्छा। बार बार बोधक कफ का होना भी मंदाग्नि का कारण है। सर अग्नि ज्यादा प्रदीप्त हो रहा है क्या उसका? इच्छनांगनी होगी क्या? तो ज्यादा लाल निकलना है तो इच्छनांगनी की स्थिति होगी क्या? इच्छनांगनी अधिक अग्नि नहीं सर, ज्यादा लाल निकलना है। सर आम दोस्त की वजह से भी उनमें कुछ मंदाग्नि का लक्षण दिखता है क्या? सर मंदाग्नि का लक्षण दिखता है कुछ? हाँ सर दिखता है। किस रूप में दिख रहा है? आलस से ज्यादा आता है। हाँ। एक्टिविटी जो है जो बहुत ही मंद हो चुकी है उनकी। ऐसा भूख कम लगता है? हाँ भूख कम लगता है। खाते तो है बट फिर भी मतलब हेवी। बस ये मंदाग्नि है। हाँ तो इसमें हमें चलिए कोई बात नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे, अभी समय का अभाव है। अगर कफ कम होता है तो अंगों में रुक्षता ड्राइनेस होना, अंतरदाह शरीर के अंदर एक तरह का जलन होना, आपके स्टमक में क्लेदक। सर आम दोस्त सर। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर ये आम दोस्त की वजह से भी मुंह में से लार आना और ये सब मंदाग्नि की समस्या दिखाई देती है क्या? हाँ जी, हाँ जी। मैं आम दोस्त की वजह से लार शरीर में आम दोस्त जी नहीं, किसी का शरीर बहुत सूखा हुआ है और ये समस्या आ रही है, मुंह में से लार गिर रही है, तो बात प्रधान शरीर है लेकिन आम दोष भरा हुआ है तो उस चक्कर में ये कंप्लेंट आती है। हाँ तो वात कफ होगा। ऐसे वात कफ जो ऐसी स्थिति में जी जी ये तो है। बात क्या करोगे तो कम पड़ जाएगा। जी जी सर्दियों में शीतलता होना, अत्यधिक प्यास लगना, बहुत ज्यादा प्यास लगना कफ के कम होने से। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर मैंने सुबह पेशेंट की बात करी थी आपसे। हाँ। बुआ जी के बारे में हमारे। हाँ जी हेलो। हाँ जी सर, तो उन्हों को भी लार आती है। हाँ। जब डेली सोते हैं तो तकिए में थोड़ी लार वगैरह लग जाती है सर, जैसे उनको, जबकि वो पैरालाइज है अभी। अच्छा जी। हाँ तो कफ के आवरण की वजह से पैरालाइज हुआ होगा ना? जी जी वो ब्रेन हेमरेज से सर। हाँ 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 समझ गया मैं, समझ गया। पहले उनको मंदाग्नि था क्या इसका मतलब? मंदाग्नि नहीं था सर, उनको बाथरूम वगैरह ज्यादा आती थी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हाँ जी शायद शुगर थी। अच्छा होंगी उनको जी। ठीक है ठीक है ठीक है जी सर, अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए। हाँ मैं अभी यह देखो, दुर्बलता का अनुभव होना, निद्रा नाश होना, भ्रम होना, हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, ये सर हृदय के धड़कन का बढ़ जाना ये बहुत महत्वपूर्ण है जब कफ क्षय होता है। कफ छाया होता है तो हृदय की धड़कन बढ़ जाना। कभी बोलते हैं ना मेरे घबराहट हो रही है, दिल धड़क रहा है बहुत ज्यादा जोर जोर से, इसका मतलब है स्थानिक जो कफ है वो कम हो रहा है, अवलंब कफ की कमी हो रही है। और ऐसी स्थिति हमेशा हो ये जरूरी नहीं होता। मान लो कि आपके सामने एक पेशेंट आया और उसका उसके शरीर में वैसे ही शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है, कमजोर शरीर होने का मतलब कफ क्षय हो रहा है, लेकिन आहार विहार कफ जनित आहार विहार वो करता है तो करने से शरीर तो बात नहीं, आहार विहार कफ वाला होता है तो होने की वजह से एक स्थान में कफ के जो है वो बढ़ते गए, उसमें कफ की व्याधि। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ऐसे सिचुएशन में उसको कफ की कोई व्याधि, जैसे मान लो डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज जो है कफ प्रधान व्याधि है, तो वात कफ हो गया है ना, वात प्रकृति है और कफ का व्याधि हो गया डायबिटीज। ध्यान से सुनना जरा, जब कफ प्रधान व्याधि आ गया एक तो अब क्या होगा,
उस कफ को नष्ट करने के लिए जब भी कभी वो कुछ दवाई खाएगा, दवाई तो हो या तो कटु खाएगा, कटु जो होता है वो कफ को नष्ट करता है, या तो तिक्त खाएगा, तिक्त भी कफ को नष्ट करता है। लेकिन जब ऐसा होगा तो शरीर में वायु बढ़ेगा, क्योंकि कटु और तिक्त दोनों ही वायु को बढ़ाते हैं। उसका प्रकृति कौन सा है? वात वाला है, वायु बढ़ जाएगा। अब व्याधि है कफ का, कटु तिक्त खाएगा तो क्या बढ़ेगा? वायु बढ़ेगा। जब वायु बढ़ेगा तो एक प्रकार से रस के रूप में उस कटु या तिक्त रस ने भी कफ को तोड़ा, वायु बढ़ने से वायु ने भी कफ को तोड़ा, तो डबल अटैक किसके ऊपर हुआ? कफ के ऊपर हुआ। जैसे ही कफ के ऊपर डबल अटैक होगा उस दवाई के वजह से, तो क्या होगा? कफ की क्षय होगी, क्षय होते ही उसमें घबराहट होना शुरू हो जाएगा। फिर बोलेगा सर मेरे दिल में बहुत ऐसे हो रहा है, समझ में आया? व्याधि जैसा का तैसा ही है, कफ बड़ा हुआ है, कफ के डायबिटीज अभी ठीक नहीं हुआ है। जैसे ही डायबिटीज के लिए वो दवाई खाता है, वैसे ही रोगी आपको बोलेगा सर आपने दवाई तो अच्छा दिया ये तो हम मानते हैं, लेकिन जैसे ही इसको खाता हूं मुझे घबराहट होती है। तब घबराहट होने के कारण क्या, अभी मैंने बताया आपको। इसीलिए इस तरह के व्याधि ये बहुत ज्यादा कष्ट साध्य या असाध्य की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि क्या दवाई दोगे उसको, क्या करोगे? वायु को कम करने के लिए मधुर रस दोगे तो मधुर रस जो है कफ को बढ़ाता है, मधुर रस ही वायु को, मधुर और स्निग्ध। देखो यहाँ कितना दुविधा होता है, यहाँ पर वायु को सबसे ज्यादा नुकसान या कम कौन करता है? स्निग्ध द्रव्य, स्निग्ध, और स्निग्ध जो है वो कफ कारक होता है। जो वायु को बढ़ाता है वो कफ को बढ़ाता है, जो वायु को कम करता है वो कफ को बढ़ाता है। आपने स्निग्ध यानी कोई चिकना, अब यहाँ वायु को कम करने के लिए बताया जाता है आप तिल का तेल लो, आप कोई भी तेल या घी इसके आप इस्तेमाल कर लो। स्निग्धता जैसे बढ़ेगा तो वायु के रुक्ष आदि गुण कम होंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम उस डायबिटीज में आएगा। स्निग्ध कोई भी डायबिटीज के लिए, स्निग्ध चीजों के लिए मना किया गया है, क्योंकि वो कफ को बढ़ाता है। टॉक्सिन्स अभी है और डिटॉक्सिफाई हुआ नहीं है, तो जब आम अवस्था में शरीर होता है तो स्निग्ध द्रव्य नहीं दिया जाना चाहिए। स्वेदन और स्निग्ध द्रव्यों से आभ्यंतर स्नेहन करने के लिए मना किया गया है। आभ्यंतर स्नेहन का मतलब तैल पान या घृत पान करने के लिए हम जो बोलते हैं, जैसे कोई आपके पास गठिया का रोगी आएगा तो उसको तो हम दे सकते हैं ना घृत पान, स्निग्ध द्रव्य दे करके वायु को थोड़ा अनुलोम करने का प्रयास करेंगे, वस्ती जी जी सर जी प्रयास करेंगे। लेकिन अगर उसी को डायबिटीज भी है फिर क्या करोगे? बस नमस्कार करेंगे, भाई साहब कल आ जाना, आज तो मेरे पास समय नहीं है, कहीं निकलना है, यही कहोगे और इसीलिए कोई भी सर गिलोय और मकोय हाँ जी सर, ये जो गिलोय और मकोय ऐसी जो दवा है त्रिदोष नाशक, उनका भी तो सेवन कराया जा सकता है या नहीं? भाई साहब देखो गिलोय जो है ना स्वाभाविक रूप से कड़वा होता है, तिक्त रस तो है ना गिलोय, अंदर वायु तो है। देखो डायबिटीज में ना आप सभी जी आप इसके गहराई को समझो, डायबिटीज मंदाग्नि वाला व्याधि है, कोई भी दवाई। अब आपने ना एक बहुत अच्छा तार छेड़ा है, लेकिन मैं अपने इस ऑडियो को इसको रिकॉर्ड